पेड़ का जादुई लहंगा और चूड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है, विराट नगर गाँव में शीतल अपनी सौतेली बेटी नंदिनी और अपनी सगी बेटी पूजा तथा पति संजय के साथ रहती थी। शीतल एक बहुत ही दुष्ट औरत थी और वो नंदिनी के सौतेले होने की वजह से उस पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन नंदिनी को उठने में जरा देर हो जाती है तो शीतल गुस्से में लाल होकर उसके कमरे में पहुंच जाती है और चिल्लाती हुई कहती है, सुबह के 9 बज रही है महारानी, पूरे गांव भर के लोग उठ गए हैं और तुझे उठाने के लिए कोई स्पेशल बोलने आएगा क्या? पूरा दिन बस सोती रहती है, जितना मर्जी तुझसे बस आराम करवा लो। जल्दी उठ के घर के सभी काम कर, सारे काम पड़े हुए हैं, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। घर में काम खत्म करने के बाद मेरे कमरे में आ जाना, समझ गई? अरे क्या हुआ माँ आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हे भगवान, ये मनहूस लड़की तो सुबह सुबह तबीयत खराब होने का नाम ले रही है। मैं जानती हूँ तू तो यही चाहती है कि मेरी तबीयत खराब हो जाए और मैं मर ही जाऊँ। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं, मुझे माफ कर दीजिए, बस वो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। चुप कर, मैं कोई तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरी सौतेली बेटी है समझी। इस घर में मेरी एक ही बेटी है, वो है पूजा, और मैं एकदम भली चंगी हूँ। कहीं ऐसा ना हो तेरी ये बुरी नजर मुझे एक दिन नजर लगा दे। अब मैं जा रही हूँ, तू उठकर जल्दी से घर के कामों में लग जा। इतना कहकर शीतल अपनी बेटी पूजा के कमरे में चली जाती है। उठ जा मेरी गुड़िया रानी, देखो तो बाहर सूरज निकल आया है, आज तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है, तो तुम जो बोलोगी मैं वो तुम्हारे लिए खाने को बनाऊंगी। वैसे भी एक ही तो संडे होता है मेरी प्यारी बेटी के लिए, जिस दिन वो आराम से सो पाती है, वरना ये स्कूल वालों ने तो मेरी बेटी का जीना हराम कर रखा है, जो हर रोज सुबह सुबह 7 बजे ही उठा देते हैं मेरी बेटी को। गुड मॉर्निंग माँ, मैं उठ गई हूँ। माँ आज मुझे अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाना है, तो क्या आप मुझे कुछ रुपए दे देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तुझे जितना रुपए चाहिए तुम उससे ले लेना। अभी जल्दी से उठ जाओ और नाश्ता कर लो, उसके बाद अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर चली जाना। शीतल इस तरह अपनी सौतेली बेटी नंदिनी और सगी बेटी पूजा में इतना भेदभाव किया करती थी, जबकि पूजा एक बहुत आलसी और गैर जिम्मेदार लड़की थी। पूजा सुबह लेट उठती थी और दिन रात फोन चलाया करती थी, फोन में वीडियो गेम खेलती थी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। नंदिनी और पूजा के पिताजी शहर के एक दफ्तर में काम किया करते थे। वो अपनी दोनों बेटियों नंदिनी और पूजा को बराबर ही प्यार करते थे। ये सब देखकर पूजा और शीतल को बहुत जलन होती थी, इसलिए शीतल नंदिनी और संजय के बीच दूरियां बनाना चाहती थी। एक दिन शीतल अपने कमरे में बहुत ही गहरी सोच में बैठी हुई थी, तभी संजय पूछता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुम गहरी सोच में दिखाई दे रही हो? घर के सभी काम खत्म हो गए हैं क्या जो तुम इस तरह बैठकर आराम कर रही हो, या फिर तुम हमेशा की तरह सभी काम नंदिनी से करवा रही हो? हाँ हाँ मुझे पता था आप मुझे इसी तरह से ताने मारोगे, मैं तो जैसे घर में सारा दिन बैठी ही रहती हूँ, सारा काम तो तुम्हारी बेटी नंदिनी ही करती है ना। हाँ तो इसमें गलत क्या है, पूरा गांव जानता है तुम अपनी दोनों बेटियों में कितना भेदभाव करती हो और नंदिनी पर कितना अत्याचार करती हो। इतना बोलकर संजय वहां से चला जाता है और अपनी बेटी नंदिनी से कहता है, नंदिनी बेटी तुम क्यों हमेशा काम काज में लगी रहती हो, तुम अभी केवल 12 वर्ष की हो, यह तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, और देखो मार्च का महीना चल रहा है, तुम्हारे एग्जाम भी पास आ रहे हैं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और यह घर के काम तुम्हारी माँ शीतल कर लेगी, समझ गए? जी पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी पूरी कर रही हूँ और मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ये बात सुनकर संजय अपनी बेटी के बर्ताव से बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अब उसकी बेटी जिम्मेदार हो गई है और वो वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से दिन निकल रहे होते हैं और अब नंदिनी और पूजा बड़ी हो जाती है। शीतल मैं सोच रहा था कि एक दिन अपने दफ्तर से छुट्टी ले लूं और अपनी दोनों बेटियों का बड़े से कॉलेज में एडमिशन करा दूं। ये अब क्या कह रहे हैं, देखो हमारी बेटी नंदिनी की सभी परीक्षाएं खत्म हो गई है और बेटियों को हमें ज्यादा पढ़ाना भी नहीं चाहिए, इसलिए नंदिनी अब मेरे घर के कामों में हाथ बटाएगी, आपको छुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात पूजा की, तो मैं अपनी बेटी पूजा का एडमिशन खुद करवाऊंगी। परंतु शीतल अगर नंदिनी घर पर ही रही तो उसके आगे की पढ़ाई का क्या होगा? देखो जी मुझे इस बारे में आगे कोई बात नहीं करनी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। संजय अपने घर के झगड़े से बचने के लिए अपनी पत्नी की बातों का बिल्कुल विरोध नहीं करता और चुपचाप वहाँ से खिसक जाता है।
और अब यहाँ शीतल नंदिनी के ऊपर अत्याचार और बढ़ा देती है और उसे अब घर के सभी काम करवाने लगती है। एक दिन नंदिनी बगीचे में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी उसकी सहेली उससे मिलने आती है। नंदिनी अपनी सहेली से बातें करने लगती है और बातों बातों में उसे पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। बहुत देर बाद जब वो अंदर जाती है तो सोफे पर बैठी शीतल उस पर गरजने लगती है। कहाँ मर गई थी पिछले एक घंटे से? मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। मैं तुझे कोई कुत्ता नजर आती हूँ जो पूरा दिन भौंकती रहूँ, परंतु तू है कि मेरी सुनती ही नहीं है। माँ, ये अब क्या कह रही है? वो मैं बाहर पौधों को पानी दे रही थी, तभी मेरी एक सहेली आ गई और मैं उससे बातें करने लगी। टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। क्या कहा? सहेली से बात कर रही थी? घर से तुझे कोई लेना देना है कि नहीं? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, बहुत बिगड़ गई है तू। इतना कहकर शीतल नंदिनी के गालों पर एक जोरदार चांटा मार देती है। नंदिनी अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सहते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। माँ, देखो आज किस तरह से मेरी बिना गलती के माँ ने मुझे जोरदार चांटा लगाया। मैं पूरे दिन भर घर के काम करती हूँ और सभी का कहना मानती हूँ, फिर भी माँ मुझे रोज मारती है, और तो और वो मुझे दो वक्त का खाना भी ठीक से नहीं देती। इस तरह नंदिनी अपनी माँ की तस्वीर के आगे जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी स्वर्गवासी माँ हूँ, जो हमेशा से तुम पर नजर बनाई हुई हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपनी सौतेली माँ का कितना अत्याचार सह रही हो। तुम सही कह रही हो, शीतल एक बहुत निर्दयी और स्वार्थी माँ है। मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक जंगल है। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ है। तुम उसके पास जाना और उस पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाना। वो एक जादुई पेड़ है। तुम्हारे इन बुरे हालातों को देखते हुए वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। ये सब सुनकर नंदिनी अपनी माँ का कहना मानते हुए जंगल के अंदर जाती है और वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुँच जाती है। नंदिनी पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, कृपया मेरी मदद कीजिए, आपके बारे में मुझे मेरी माँ ने बताया। नंदिनी पेड़ को अपनी सभी दुख भरी कहानियाँ सुनाती है। वो जादुई पेड़ नंदिनी की दुख भरी कहानी सुनकर बोलता है, प्यारी बच्ची, मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि किस तरह तुम्हारी सौतेली माँ दिन रात तुम पर अत्याचार कर रही है और तुम्हारे पिता भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। यह लो, यह मेरे पास पेड़ का एक जादुई लहंगा और चूड़ियां है। यह जादुई लहंगा तुम्हारी हर मुसीबत में मदद करेगा और तुम्हारी हर जरूरतों को भी पूरा करेगा। और यह जादुई चूड़ियां तुम अपनी सौतेली माँ को देना। इस जादुई चूड़ियों की मदद से तुम्हारी माँ को एक अच्छा सा सबक मिलेगा। नंदिनी पेड़ को धन्यवाद देती है और वो जादुई लहंगा और चूड़ियां ले लेती है। नंदिनी वो जादुई लहंगा और चूड़ियां लेकर घर पहुंच जाती है और वो लहंगा अपने कमरे में छुपा देती है। शीतल जब वो चूड़ियां नंदिनी के पास देखती है तो वो चूड़ियां उसे छीन लेती है और उसे पहन लेती है। चूड़ियां पहनते ही शीतल को एक जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिससे उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। अब वो अपनी सगी बेटी पूजा से घर के सारे काम करवाने लगती है और अपनी सौतेली बेटी नंदिनी को बहुत प्यार करती है। शीतल को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है, परंतु ये सब देख कर नंदिनी बहुत खुश होती है कि अब वो चूड़ियां नंदिनी का बदला ले रही है। और इस तरह जादुई लहंगे से अपनी जरूरत का हर सामान मांग लिया करती थी नंदिनी। वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटियों को अपने की सजा मिल रही थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों। एक बार की बात है, आसमान में रहने वाली शनाया परी जब अपने परीलोक के शोरूम से ढेर सारे लहंगे खरीद कर जा रही थी, तभी एक लहंगा गलती से उसके हाथ से छूटकर पृथ्वीलोक पर गिर जाता है। इधर पृथ्वीलोक पर वंशिका अपनी सौतेली माँ राधिका और बहन सुरभि से दुखी होकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके अपनी पढ़ाई कर रही थी। वंशिका बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहन उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी।
वंशिका कहाँ मर गई? जब देखो इस लड़की को काम से जी चुराती रहती है। जी माँ, आपने मुझे बुलाया। हाँ महारानी, इतने देर से अकेले कमरे में क्या कर रही थी? वो माँ, मैं पढ़ाई कर रही थी। अगले महीने से मेरा पेपर स्टार्ट है ना, तो इसलिए। जरा देखो इस बेशरम को, घर का सारा काम छोड़कर महारानी कलेक्टरी करने में लगी है। माँ, मैंने घर का सारा काम तो कर दिया है, बर्तन कपड़े सब कर दिए हैं। अच्छा, फिर मेरे कमरे में जा और अलमारी से सारे कपड़े निकाल कर झरने पर ले जाकर धोला। रखे रखे कपड़ों में से बदबू आने लगी है। माँ, उसमें तो बहुत टाइम लगेगा, और वैसे भी वो सारे कपड़े तो पहले से ही धुले हुए हैं ना। जितना बोला जाए उतना किया कर। अगर मेरे सामने ज्यादा दिमाग चलाई तो घर से धक्के देकर बाहर कर दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। वंशिका सारे कपड़े लेकर झरने पर धो रही थी, तभी उसकी नज़र परी के लहंगों पर जाती है जो गलती से पृथ्वी पर गिर गई थी। ओ वाओ, कितना सुंदर लहंगा है ना ये, मैंने आज तक ऐसा लहंगा नहीं देखा है। वंशिका अपना काम खत्म करके उस लहंगे को घर ले आती है और अपने कमरे में छुपाकर रख देती है। अगले दिन शनाया परी अपने लहंगे को पृथ्वी पर इधर उधर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे लहंगा कहीं दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र झरने से पानी भर रहे वंशिका पर जाती है। परी उसके पास जाकर बोलती है, सुनो लड़की, क्या तुम्हें यहाँ आसपास कोई लहंगा मिला है? चूंकि वंशिका बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की होती है, इसलिए वो उसे सब कुछ बता देती है और लहंगा लाकर परी को वापस दे देती है। परी वंशिका की ईमानदारी से बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही परी वंशिका को टच करती है, वो उसके दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान जाती है। परी कहती है, वंशिका, तुम चाहती तो इस लहंगे को बेचकर अपने लिए बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। वंशिका, मैं तुम्हारे दुखी जीवन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। ये लो, ये लहंगा तुम रख लो। तुम्हारे पास कपड़े भी नहीं है ना, और तुम आगे पढ़ना चाहती हो। ये लहंगा इन सब में तुम्हारी मदद करेगा। और हाँ, ये कोई साधारण लहंगा नहीं, बल्कि जादुई लहंगा है। इस लहंगे को पहनकर तुम जो भी बोलोगी वो हो जाएगा। अब तुम खुशी खुशी घर जाओ। धन्यवाद परी जी। वंशिका खुशी खुशी उस लहंगे को पहन लेती है और बोलती है, लहंगा लहंगा, मुझे एक घर चाहिए। वंशिका के इतना बोलते ही उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत घर बनकर तैयार हो जाता है। वंशिका खुशी खुशी उस घर के अंदर जाकर उसमें रहने लगती है। लहंगा लहंगा, मुझे मेरे बुक्स दिला दो। वंशिका के सामने उसके सारे बुक्स आ जाते हैं। ये देखकर वंशिका के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। अब तो उसे किसी भी चीज की चिंता ही नहीं थी। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत होती, वो जादुई लहंगे से मांग लेती। वंशिका अब खुशी खुशी अपने आगे की अच्छे से पढ़ाई करने लगती है। वंशिका को इतना खुश देखकर उसकी सौतेली बहन सुरभि सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। कल तक हमारे रहमो करम पर पलने वाले इस अनाथ के पास इतना सब कहां से आ गया, जो ये आज हवा में उड़ रही है? पता तो करना पड़ेगा। सुरभि घर आकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो ये बात है, पता तो लगाना पड़ेगा, और मैं आज रात ही सब पता लगा कर रहूंगी कि आखिर कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। इस तरह दोनों माँ बेटी वंशिका के घर खिड़की से झांककर सब कुछ पता कर लेती हैं। अच्छा, तो ये बात है, ये सब इस जादुई लहंगे का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे को ही चुरा लूं? ये सोचकर दोनों माँ बेटी वंशिका के कमरे में घुस जाती हैं। वंशिका सो रही होती है, तभी उसकी माँ उसके मुंह को तकिए से दबा देती है। सुरभि बेटी, तुम जल्दी से इसके लहंगे को चुरा लो, मैं इसको ठिकाने लगाकर यहाँ से आती हूँ। वंशिका का दम घुट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। तभी वहाँ शनाया परी आ जाती है। रुक जाओ दुष्ट औरत, तुम पैसों की लालच में इतना गिर जाओगी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। वंशिका तो तुम्हें माँ कहती है, पर तुम तो डायन हो डायन।
इतना बोलकर परी दोनों माँ बेटी को उल्टा हवा में लटका देती है। मैं तुम दोनों माँ बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वंशिका बोलती है, नहीं परी जी, ऐसा मत करो, रुक जाओ, इन्हें मत मारो, ये जैसे भी हैं, आखिर मेरी माँ और बहन हैं, प्लीज इन्हें छोड़ दो, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। गौर से देखो इसे, तुम लोग जिसे मार रहे थे आज वही तुम्हारी जान की सिफारिश कर रही है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनकर राधिका और सुरभि को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। हाँ बहन, मुझे भी माफ कर दे, मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने आप सबको माफ कर दिया, अब आप लोगों को शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मेरे दिल में आप सबके लिए कुछ नहीं है। और फिर उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।